भीख मांगते नागपूर जिल्हा नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया काँग्रेस द्वारा ऑनलाइन परीक्षा घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे। यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांचा सहभाग या आंदोलनामध्ये पाहायला मिळतोय। आपण हे दृश्य पाहतोय नागपूर विद्यापीठातील जमनालाल बजाज कॅम्पस या परिसरातील आहे। नागपूर जिल्हा NSUI विद्यार्थी काँग्रेस द्वारा हे समर्पित आंदोलन आज करण्यात आलं। नागपूर जिल्हा NSUI अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे हे देखील यावेळी उपस्थित होते। तसेच आमच्या ऑनलाइन परीक्षा घ्या अशी प्रमुख मागणी या आंदोलनामध्ये मांडण्यात आली। नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया काँग्रेस द्वारा हे आंदोलन आज करण्यात आलं। यावेळी नागपूर जिल्हा NSUI प्रदेश प्रवक्ता कुणाल चौधरी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूया। अरे मागच्या वेळेस आम्ही आंदोलन केलं होतं का आम्हाला ऑनलाईन मोड मध्ये एक्झाम पाहिजे, कारण विद्यार्थीच्या कॉलेज 2 महिन्या पहिले सुरू झालं आणि 2 महिन्यात एक्स्ट्रा करिक्युलम ऍक्टिव्हिटी आणि सगळं आपलं म्हणजे आपला अभ्यास पूर्ण कम्प्लीट करणं हे शक्य नसते। म्हणून NSUI विद्यार्थ्यांच्या सन्मान मध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या समर्थनामध्ये हे घोषणा केली का विद्यार्थ्यांच्या सोबत आम्ही एक आंदोलन करू, कारण 2 महिन्यात हे शक्य नाही आहे कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे कोर्सला कम्प्लीट करणे आणि कुठल्याही प्रकारचे एक्स्ट्रा करिक्युलम ऍक्टिव्हिटी प्लस प्रॅक्टिकल कम्प्लीट करणे। म्हणून NSUI सन्मानाने आमचे आदरणीय अध्यक्ष आमिर दादा शेख यांच्या उपस्थितीत, प्रणय ठाकूर यांच्या उपस्थितीत, प्रतीक दादा कोल्हे यांच्या उपस्थितीत आणि शेकडो विद्यार्थ्यांसोबत आम्ही हे आंदोलन केलं आहे आणि जोपर्यंत आम्हाला आमची मागणी पूर्ण मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही, कारण विद्यार्थ्यांच्या सन्मानमध्ये नेहमी NSUI राहतात आणि आमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आणि शेवटपर्यंत आम्ही ऑनलाईन एक्झाम नागपूर विद्यापीठमध्ये झाली पाहिजे, महाराष्ट्रात झाली पाहिजे याकरता लढत राहू। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे विशेषज्ञ निवेदन करने आए हैं और ये हमारी आखिरी निवेदन रहेंगे कि हमको ऑनलाइन एग्जाम होना मतलब होना ही एनी हाउ। हम लोग यहाँ पे अनशन की भी तैयारी से बैठे हैं। हमको पुलिस वालों की तरफ थोड़ा सा दिया गया है कि आज VIP मूवमेंट है नागपुर में, गवर्नर साहब है, उपराष्ट्रपति साहब है, सब है, इसलिए आप आराम कीजिए। लेकिन ये स्टूडेंट से भी है, स्टूडेंट का पावर आज सबको दिखेगा, पूरे नागपुर शहर हिलेगा, डिप्यूटी CM से लेकर गवर्नर से लेकर उपराष्ट्रपति साहब सब हिलेंगे सर। आज उनको दिखाएंगे स्टूडेंट्स का पावर और स्टूडेंट यूनिटी में क्या चीज है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो आज RTMU स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट किया है, वाकई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी के सामने जो था आज के डेट में हुआ है। जल्दी इसके बारे में जो VC ने भी कहा कि स्टूडेंट के हित में ही एग्जामिनेशन का जो चल रहा है भी ऑनलाइन ऑफलाइन का, जल्दी स्टूडेंट के हित में ही होगा। वो भी उन्होंने भी कुछ टाइम मांगा है जो कि मिनिस्टर से पूछने के लिए, मीटिंग बैठक करने के लिए। जल्दी इसके बारे में अपडेट आएगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में इसी तरह से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही।